जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्राच्या या खास भागात तुमचं स्वागत. हा भाग खास आहे कारण आपण एरवी दर शनिवारी भेटत असतो पुढच्या आठवड्यातल्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी. पण आजचा दिवस आहे 31 डिसेंबरचा आणि आज पंडितजींबरोबर पुढच्या अख्ख्या वर्षाचं भविष्य आपण जाणून घेणार आहोत. नेहमीसारखे सगळ्या विषयांवर आपण पंडितजी काय म्हणतात ते आपल्याला बघायचं आहे. पंडितजी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास शो में. नमस्कार. बिल्कुल. 2016 हमारे सामने खड़ा है. अब तो देखिए कुछ घंटों में 2016 शुरू की शुरुआत भी हो जाएगी. तो आप कैसे शुरुआत करेंगे 2016 की, किस मंत्र से? देखिए सबसे पहले तो राष्ट्र के और महाराष्ट्र के आराध्य देव कौन है, वो है गणपति बप्पा. और हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया जाता है और हम स्वास्तिक बनाते हैं और कहते हैं कि जब गजानन का नाम ले दो तो सब चीज़ें जो है वो सही हो जाती हैं. इसलिए उन्हीं के मंत्र से गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम. गणपति बप्पा आप हमेशा हमारे राष्ट्र और महाराष्ट्र के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें. और उमासुतम यानी पार्वती के पुत्र जो कि दुख हरता और सुख करता है, आपके आशीर्वाद से हम अपने जीवन को इसी तरह आनंद से और खुशहाली से जीते रहें. 2016 में आज के दिन आपको याद करते हुए पूरे विश्व की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं. बिल्कुल पंडित जी, शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई है हमारी प्रार्थना के साथ. लेकिन आप ही से बात कर रही थी तो मुझे पता चला कि आप साल की कुंडली भी बना सकते हो, मतलब समय की कुंडली भी आप बना सकते हो. तो 2016 बताइए हमारे लिए कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए हर चीज़ की कुंडली बनती है. आपने राजमंत्र में देखा होगा कि देश की कुंडली बनती है, संगठन की कुंडली बनती है, व्यक्ति की कुंडली बनती है. और साल एक्चुअली में यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को एक बात जानकारी के लिए, उनके ज्ञान के लिए बता देना चाहता हूँ कि 1 जनवरी 2016 में जो नया साल शुरू हो रहा है वो ईसा का साल है. हिंदू धर्म का जो नया साल शुरू होता है वो मार्च में गुड़ी पाड़वा के दिन शुरू होता है. मगर क्योंकि हमारे ऊपर 250 साल अंग्रेजों ने राज किया, हम चाय पीनी सीख गए और उसके साथ साथ में हमने जनवरी फरवरी मार्च यानी इन सबको याद करना शुरू कर दिया. और उसी के ऊपर हमारी विधा, हमारी संस्कृति थोड़ी बहुत ये कह लें कि पाश्चात्य हो गई. इसलिए हम इस साल को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितनी गुड़ी पाड़वा के दिन हम अपने नववर्ष को देते हैं, बल्कि उसको कम देते हैं कि ये कह लीजिए. मगर आज आपकी जानकारी के लिए ये 2016 ईस्वी कहा जाता है. जी हाँ. यानी ईसा के द्वारा मनोनीत की हुई ये जो बरस है उसको 2016 ईस्वी कहा जाता है. 1 जनवरी 2016. तो जब इस साल की शुरुआत 1 जनवरी से हमारी होने वाली है इस बार, तो क्या ग्रह दशा 1 जनवरी को आपको दिख रही है? कौन से ग्रह होंगे जो शुभ होंगे साल भर के लिए, कौन से ग्रह है जो अशुभ कहलाए जाएंगे? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सवाल किया आपने. पौष कृष्ण पक्ष की, हमारे हिंदू तरीके से पौष कृष्ण पक्ष की पंचमी चल रही है. कन्या राशि में चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं, बुध की राशि है कन्या और साथ में उत्तर फागुनी नक्षत्र है. यानी आप ये समझ लें कि जब बुध की राशि में चंद्रमा होता है तो जो व्यक्ति उस पर्टिकुलर समय पर जन्म लेता है, जैसे कि 1 जनवरी 2016 के दिन नया साल जन्म ले रहा है. अच्छा, एक नए साल के जन्म की कुंडली हमने यहाँ बना ली, तो नए साल में जो बुध की राशि में चंद्रमा बना हुआ है कन्या राशि में, तो ये कह लें चंचलता, रेस्टलेसनेस, असुरक्षा ये साथ में पैदा होगी. अच्छा, ये बहुत अच्छी बात नहीं है. पर बुध और चंद्रमा दोनों मित्र नहीं है. जब भी बुध और चंद्रमा का कंपैटिबिलिटी कॉम्बिनेशन होता है तो चंचलता, रेस्टलेसनेस, आदमी करता कुछ है, होता कुछ है, होना कुछ होता है और हो कुछ जाता है. ये क्या पूरे विश्व भर के लिए है? ये पूरे विश्व भर के लिए है. आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस, वोलेटिलिटी, वातावरण असमंजस, कंफ्यूजन का वातावरण बना रहेगा. मगर ग्रह, आपने एक सवाल किया कि कौन से ग्रह अच्छे हैं और कौन से ग्रह बुरे हैं.
देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि शनि मंगल की राशि में है, वृश्चिक राशि में है, और उसकी वजह से जिस तरह के माहौल आपने देखे, दिल्ली में इलेक्शन हुआ, बिहार में इलेक्शन हुआ, आगे भी हम इलेक्शनों के ऊपर बात करेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने देखा सीरिया की समस्या, रशिया की समस्या, टर्की की समस्या, आतंकवाद की बहुत सी चीजें, इनको हम जोड़ कर देखते हैं। इसलिए ये शो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो इस शो को ये टाइटल देना चाहता था कि सबसे बड़ा शो 2016 का, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़े शो के रूप में जाना जाएगा। और क्योंकि इतना गहनता से विश्लेषण यही प्लेटफॉर्म पे होता है, और कोई बड़े चैनल के ऊपर भी ये विश्लेषण नहीं होता। हाँ, शनि मंगल की राशि में है इसलिए उसको नीच माना जाएगा। अच्छा, गुरु उच्च का बैठा हुआ है। हाँ, एक बात है कि कन्या राशि में चंद्रमा है, मगर कन्या राशि का स्वामी बुध है, वो उच्च की आप शनि के मित्र राशि में बैठा हुआ है। अच्छा, इसलिए कहीं ना कहीं बुद्धि विवेक से आगे बढ़ता हुआ हमारा देश नजर आएगा आपको। कहीं ना कहीं इंटरवेंशन जो है बुद्धिजीवी लोगों की, इंटेलेक्चुअल लोगों की, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंधों की बात कर लें, रशिया और टर्की के संबंधों की बात कर लें, अमेरिका और रशिया के संबंधों की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी लोग इस देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इंटरफेरेंस करने के बाद चीजों को सुलझाने में भी कामयाब होंगे। अच्छा, जैसे अगर महायुद्ध शुरू होना हो गया, मान लो लोग कहते हैं कि तीसरा युद्ध, महायुद्ध शुरू हो सकता है, जिसके आसार भी हो सकते हैं, मगर उसको रोक दिया जाएगा। अच्छा, बुद्धिजीवी जो है वो नहीं होने देंगे। जैसे आपने देखा कि आज के दिन पॉल्यूशन के अगेंस्ट में बहुत सी बातें, बहुत से मुहिम, बहुत सी सरकारें, बहुत से लोग उसके ऊपर खड़े हुए हैं। तो इस तरह जो बुध है वो अच्छी राशि में बैठा है, इसलिए वो कहीं ना कहीं फायदा देता रहेगा। शुक्र और शनि इकट्ठे हैं, इसलिए महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। शुक्र शनि के साथ में, क्योंकि दोनों दैत्य हैं, शुक्र के बारे में और शनि के बारे में दोनों मित्र हैं, तो इकट्ठे होने से कुछ लाभ मिलेंगे, अकस्मात लाभ। देश में FII का इनफ्लो बढ़ेगा, देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी, देश में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल अपने बाजार खोल रहे हैं, अपनी दुकानें खोल रहे हैं, अपने इंडस्ट्री खोल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। सो बुध अच्छा है, शुक्र और शनि की युति अच्छी है, और सबसे बड़ी बात, सूर्य बहुत उत्तम है अगले साल का। सूर्य उत्तम होने की वजह से देश की गरिमा, प्रतिष्ठा माननीय नरेंद्र मोदी जिस तरह से बढ़ा रहे हैं, उसको और बढ़ाने में कामयाब होंगे। ये एक बहुत सुंदर बात है। मगर चंद्रमा के साथ राहु लगन में बैठा हुआ है, उससे क्या होगा, एक तारीख की कुंडली में आपसी विवाद खत्म नहीं होंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी बीजेपी को कटघरे में खड़ी करेगी, कांग्रेस बीजेपी को कटघरे में खड़ी करेगी, बीजेपी इन दोनों को कटघरे में खड़ी करेगी, तो कहीं ना कहीं आपसी संबंधों को बिगाड़ देता है ये पिता। बाहर से कुछ अच्छी खबरें हमें मिलने वाली है, लेकिन हमें अंदर की जो अंदरूनी जो है, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी अच्छे काम करना चाहते हैं, मगर अंदर खाते में उन्हीं के लोग उनके ही लिए षड्यंत्र करते हुए दिखाई देंगे। इसी तरह कुछ बिल्स हैं जो पास नहीं हो रहे हैं, वो लटकते रहेंगे। आपसी संबंधों में विष योग बना हुआ है, ग्रहण योग बना हुआ है, यानी लगन क्या है, लगन पिता का स्थान है, आत्मा का स्थान है, वहां पे चंद्रमा और राहु ग्रहण योग बनाकर बैठा हुआ है। इसलिए ग्रहों का विश्लेषण, गुरु सूर्य उत्तम, बुध उत्तम, ये तीन ग्रह बहुत ही अच्छे हैं, मगर चंद्रमा के साथ राहु ग्रहण योग बनाकर बैठा हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं आतंकवाद, असुरक्षा, बड़े बड़े नेताओं के ऊपर हमले और प्राकृतिक आपदाएं, कुछ जगहों पे भूकंप आ सकते हैं, आगजनी हो सकती है, ये चीजें जो हैं, ये कुछ ग्रह ऐसे हैं। तो चार ग्रह तो बहुत ही उत्तम बैठे हुए हैं, चार ग्रहों के ऑपोजिट कुछ ग्रह हैं जो फेवरेबल नहीं है, जिसके कारण कुछ समस्या भी बढ़ेगी, आ सकती है कुछ समस्या। जो बातों बातों में आपने जिक्र किया है, अंदरूनी जो हालात रहने वाले हैं बीजेपी के लिए, तो महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही माहौल इस वक्त बना हुआ है। जो महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, शिवसेना और भाजपा की सरकार तो है, लेकिन आपसी तालमेल कम होता दिख रहा है। तो महाराष्ट्र से शुरुआत करते हैं शो की, कहिए महाराष्ट्र के लिए अगला साल कैसे रहने वाला है। देखिए महाराष्ट्र में सबसे पहले आपको जैसे मैंने बोला, संगठन की कुंडली, राष्ट्र की कुंडली बनती है, इसलिए हमारे पास में महाराष्ट्र की कुंडली भी है। हम जब महाराष्ट्र की कुंडली का अध्ययन करते हैं
तो महाराष्ट्र की कुंडली की बड़ी गहनता से मैंने महाराष्ट्र की कुंडली का भी अध्ययन किया, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में आगे आने वाले दिनों में अच्छे दिन आएंगे। हाँ, देवेंद्र फडणवीस जो है 1/5/1980 महाराष्ट्र का जन्मदिन है। महाराष्ट्र 1/5/1980 को महाराष्ट्र का जन्म हुआ है और महाराष्ट्र में की कुंडली में बुद्ध की महादशा चल रही है, तो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस बुद्धि से बुद्धिमता से आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपने ये देखा होगा कि डोंबिवली में शिवसेना बहुमत में आई, वहां पे वो राज ठाकरे को भी ले सकते थे, वहां पे किसी दूसरी पार्टी का भी साथ ले सकते थे, मगर उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही साथ लिया। कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे एक मत के ऊपर तय सब हो गए कि भाई नहीं, हम इकट्ठे हैं, वहां पे इकट्ठे, यहाँ भी इकट्ठे रहेंगे। डिप्लोमेसी जैसे डिप्लोमेसी से और चाणक्य नीति से देवेंद्र फडणवीस जो है वो इस महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने में सफल होंगे, क्योंकि 1/5/1980 बुद्ध की महादशा और बुद्ध महाराष्ट्र का उत्तम बैठा हुआ है चौथे घर में, चौथे घर में बैठा हुआ है। मगर देवेंद्र फडणवीस क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र की क्लास के मॉनिटर हैं, हाँ। कुछ समस्याएं, कुछ उंगलियां उनके ऊपर उठती रहेंगी, वो तो उठती हैं। जी हाँ, वो तो उठती हैं। मगर देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो देवेंद्र फडणवीस की खुद की कुंडली में गुरु की महादशा लगी हुई है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस 2016 पूरा निकाल लेंगे। अच्छा, और बड़ी शिवसेना के साथ पूरी कार्य कुशलता में उनके और प्रगाढ़ता और आप कह लें पॉलिशिंग हो जाएगी। जी हाँ। और जिसके कारण देवेंद्र फडणवीस को कुछ शाबाशी महाराष्ट्र में मिलेगी। अभी वो सिंसियर पॉलिटिशियन कहे जाते हैं। मगर तो एक बात यहाँ पे रुजुता जी, मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, गुरु में बुध चल रहा है, बुध के बाद केतु है, केतु एक राक्षसी ग्रह है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस को अपने मित्रों के से संभल कर रहना चाहिए, कहीं अच्छा। शत्रु का काम कर सकते हैं मित्र, जो कि उन्हीं के पक्ष में से हैं, जो कि उन्हीं के साथ बैठते उठते हैं, कहीं अच्छा। ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जो हैं, उनको इस शो के माध्यम से मैं सलाह दूंगा कि ही शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट हिज पीपल हु आर ट्रैवलिंग अलोंग विद हिम, कहीं उन्हीं का पत्ता काटने के लिए पीछे लग सकते हैं, क्योंकि गुरु और बुद्ध मित्र नहीं है और गुरु और बुद्ध के बाद में केतु मित्र नहीं है, मगर गुरु उत्तम है उनका, इसलिए वो चीफ मिनिस्टर बन गए। चीफ मिनिस्टर के बाद में समस्याएं, उद्धव ठाकरे और शिवसेना हर रोज उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, कोई ना कोई आरोप लगे रहते हैं, कांग्रेस है वो भी अपना काम कर रही है क्योंकि तो विरोधी है, मगर यहाँ पर तो समस्या ये है कि घर में बैठे हैं, घर में जो उनका पार्टनर है शिवसेना, वो भी विरोधियों का काम कर रही है। तो ये जो मैंने आपको शुरू में बोला कि राहु और चंद्र 1 जनवरी का इकट्ठा है, वो रेस्टलेसनेस इस सरकार में भी बनी रहेगी, मगर उद्धव ठाकरे की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं 27/7/1960 उनकी सिंह राशि है और कर्क लगन है, राहु की महादशा उनकी खत्म हो रही है, मैं राजमंत्र में बहुत बार कह चुका हूं, और गुरु की महादशा शुरू हो रही है, इसलिए शिवसेना के लिए और शिवसेना के नेताओं के लिए 2016 बहुत ही उत्तम है। मार्च 2016 से पहले पहले उनको दिल्ली में या उनको मुंबई में हो सकता है कैबिनेट और स्टेट मिनिस्ट्री की कुछ और सीटें मिल सकती हैं शिवसेना को महामंडल में उनको अच्छी जगहें मिल सकती हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो गया है या हो जाएगा कि भाई दिल्ली के बाद में बिहार में जिस तरह का माहौल हुआ है, अपने लोगों को सोच छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो शिवसेना हमेशा बड़ा भाई रहा है, मगर इस वक्त बीजेपी बड़ा भाई का रोल अदा कर रही है, इसलिए कहीं ना कहीं उद्धव की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, और बाला साहब ने शिवसेना का जो गठन किया वो किया है 19/6/1966, आपको जानकर हैरानगी होगी कि 19/6 राहुल गांधी का जन्मदिन भी है और मिथुन राशि तुला लगन और कहीं ना कहीं बुद्ध की महादशा में केतु की अंतरदशा, केतु खत्म हो गया, केतु के बाद शुक्र आ गया। मित्रों, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो शिवसेना जो है आगे आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं
कुछ अच्छे कार्य करेगी और इनको अगले साल और उसके अगले साल उत्तर प्रदेश पंजाब में इलेक्शन है, वहां पर ये अपनी हाजिरी दाखिल करेंगे, खाता खोलेंगे उत्तर प्रदेश में, खाता खोलेंगे। अच्छा। पंजाब में तो नहीं, उत्तर प्रदेश में खाता खोलेंगे और उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अच्छा। और उनके साथ में जो उनके सिपा सिलार हैं, रामदास कदम है, अनिल देसाई हैं, सुभाष देसाई हैं, मिलिंद नार्वेकर हैं, इन लोगों के सहयोग से कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जो बाला साहब की इच्छा थी राष्ट्रीय स्तर पर शिवसेना को ले जाने में 2016 में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। सफलता कम मिलेगी मगर शुरुआत 2016 शुरुआत तो हो सकती है, हो सकती है बिल्कुल। इसके साथ साथ हमें और दो पक्ष है और कुछ नेतागण है जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की कुंडली इस बार राज्य में क्या कह रही है, साथ ही में उनके जो नेता है अशोक चव्हाण हो, राधा कृष्ण विखे पाटिल हो, और खासतौर पर राष्ट्रवादी, क्योंकि छगन भुजबल जी के सामने की जो समस्याएं है, क्या वो अगले साल उनके लिए कैसा जाने वाला है? देखिए, हमने बीजेपी के बारे में बात करी, शिवसेना के बारे में बात करी, अभी कांग्रेस की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो कांग्रेस का गठन श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1/1/1978 में किया, कांग्रेस आई बना दी। उसके बाद में उन्होंने कांग्रेस को इतना मजबूत किया कि कांग्रेस की सत्ता अब तक रही ज्यादा से ज्यादा। बीजेपी आई जरूर पांच साल के लिए, मगर यहाँ पर महाराष्ट्र में कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, शरद पवार साहब की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कहीं ना कहीं अजीत पवार जो हैं उनके भतीजे और साथ में सुप्रिया सुले की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो एनसीपी जो है 2016 में नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। अच्छा। कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप किसी ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। हमारे एक शो में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के ऊपर उन्होंने सवाल भी किया, पार्टी नहीं खत्म होगी, पार्टी अपना झंडा गाड़ देगी और इस बात में कोई दो राय नहीं कि जिस तरह 2014 के इलेक्शन में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कांग्रेस से ज्यादा सीटें ले जाने में कामयाब हो रही थी, आपने अगर उस दिन की बात की, हाँ, अभी भी फर्क जो है वो एक सीट का ही है, मामूली सा फर्क है, एकदम मामूली सीट, एक सीट का फर्क है। आगे आने वाले दिनों में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की कुंडली मुझे कांग्रेस से भी अच्छी लग रही है, मगर राधा किशन विखे पाटिल विरोधी पक्ष नेता है, अशोक चव्हाण अध्यक्ष है, संजय निरुपम मुंबई के अध्यक्ष है, ये लोग काम करना चाहते हैं, मगर अगले साल इनमें से जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करेगा वो होगा राधा किशन विखे पाटिल। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने वालों में राधा किशन विखे पाटिल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करेगा, कहीं ना कहीं वो शुरू से शरद पवार के विरोधी रहे हैं राधा किशन विखे पाटिल और उनके पिताजी बाला साहेब विखे पाटिल, कहीं ना कहीं वो शरद पवार के विरोधी रहे हैं, मगर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और अपनी भावनाओं को दर्शाने के लिए वो एनसीपी के साथ नेक टू नेक फिनिश में आगे आते हुए दिखाई देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए भी आने वाला साल अच्छा गुजरने वाला है और एक जो है राजनीतिक वातावरण ऐसा बना हुआ है कि हमें ये टशन महाराष्ट्र में आने वाले साल में भी देखने को मिलेगी। इसके बाद दिल्ली में क्या होने वाला है इसके बारे में भी हमें जानना है, तो एक छोटा सा ब्रेक त्या पूर्वी घेतो आणि ब्रेक नंतर आपल्याला केंद्रात नवी दिल्लीत काय घडामोडी पुढच्या वर्षात अपेक्षित आहेत ते बघायचं आहे आणि त्यासाठी पाहत रहा जय महाराष्ट्र।